पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसमें जेम्स एंडरसन, बेन स्टॉक और लेग स्पिनर आदिल रशीद को भी शामिल किया गया है। जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक इंजरी से रिकवरी के बाद स्क्वाड में शामिल हुए। दोनों खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए इंजर्ड हुए थे। लेग स्पिनर आदिल रशीद को टीम में शामिल करने का मकसद स्पिन बॉलिंग के शोबे को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में जुमे को शुरू होगा। इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बकिया 3 मैचेस में पुश अप से रोकना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं, जिसके लिए तमाम खिलाड़ी हैं और शिकस्त को भुलाकर जुमे से शुरू होने वाले ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। Terrific return for him to all.